दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी में मुफ्त बिजली, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल का हवाला देकर राष्ट्रीय पार्टी के सबसे बड़े नेता बनकर इन दिनों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। देश में लोकतंत्र है, कोई भी पार्टी किसी भी राज्य से चुनाव लड़ने का हक रखती है, लेकिन समस्या तब होती है जब नेता सत्ता पाने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। और अब आज की राजनीति में तो बात वादों से कई कदम आगे बढ़कर गारंटी तक पहुंच गई है। अब वादे नहीं, गारंटियां तोड़ी जाती हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी झूठी गारंटी देने की चैंपियन है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि एक RTI से जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो इस बात की तस्दीक करता है। दरअसल अरविंद केजरीवाल अभी बीते दिनों चुनाव प्रचार के तहत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में थे। वहां इन दिनों विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों के नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं। केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान भी शनिवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की जनता को लुभाने के लिए कई गारंटियों की घोषणा की। दरअसल मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज के अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलवाने की गारंटी दी। साथ ही नौकरी मिलने तक हर बेरोजगार को 3,000 रुपये महीने का बेरोजगारी भत्ता देने की भी गारंटी दे दी। लेकिन जब रायपुर में अरविंद केजरीवाल बात छत्तीसगढ़ के 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने की करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सवाल दिल्ली को लेकर तो पूछा जाएगा, क्योंकि यहां बीते 8 साल से उनकी सरकार है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए जब एक RTI दाखिल की गई तो जवाब मिला, वो जानने के बाद आप भी केजरीवाल पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी की गारंटी देने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी सरकार के बीते 8 सालों में केवल 599 लोगों को ही सरकारी नौकरी दे पाए हैं। जी हां, अब कहां तो 10 लाख का वादा है और कहां धरातल पर दिल्ली में 599 लोगों का आंकड़ा। इससे साफ पता चलता है कि केजरीवाल की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आप खुद देख सकते हैं कि RTI के कुणाल शुक्ला ने इस RTI में सवाल पूछा है कि साल 2015 से लेकर 2023 तक दिल्ली सरकार ने किस किस सरकारी विभाग में कितने पदों पर सरकारी नौकरी दी, जिसके जवाब में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से अलग अलग सालों का ब्यौरा देते हुए बताया गया है कि इन 8 सालों में कुल 599 लोगों को सरकारी नौकरियां दिल्ली में दी गई। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो केजरीवाल अपने राज्य में बीते 8 सालों में दिल्ली वालों से किया अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, जो यहां केवल 599 सरकारी नौकरी ही देते हैं, वो छत्तीसगढ़ में अपनी गारंटी पूरी करेंगे, इसकी क्या गारंटी है।